मस्जिद में जाकर हम लोग कोई पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो हमको हमारी जगह पर भी यही चाहिए। मुझे तो लगता है कि मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती है और कि योगी जी यहाँ से ठीक 200 मीटर दूर आते हैं, यहाँ कभी नहीं आते। मंदिर में बैठ के लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है। यूपी कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ दिया गया था, पता है आपको? गलत है। हम लोग अपने भगवान से वंचित थे इसलिए क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब का कब्जा था। शुक्रवार का दिन है, 6 दिसंबर है और यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है। पीछे देखिए, भारी मात्रा में यहाँ पे लोग हैं और नमाज को पढ़ी जा रही है। अभी नमाज पढ़ के लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। यहाँ की हालात और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, इस पर आप लोग कब ध्यान देंगे? ध्यान देने की बात की जाए तो हमारी सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा विश्वनाथ टेम्पल, ये लोगों ने अंदर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ रहे थे ये लोग, वहाँ कब्जा किया गया था। तो देखिए, ये बहुत मतलब शर्मनाक मुद्दा है, क्योंकि हम लोग कभी मस्जिद में जाकर हम लोग नहीं बैठते हैं, वहाँ अपना अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं, ये नहीं कहते हैं कि ये हमारा मंदिर है, लेकिन हमारे मंदिर वाली जगह को जो ये लोग कब्जा कर किया जाता है, ये चीज़ें गलत है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी सरकार को जैसे विश्वनाथ टेम्पल पर उन्होंने ध्यान दिया है, वैसे यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए और हमारा जो विष्णु भगवान का जो मंदिर था यहाँ पर, वो फिर से अपनी जगह पे स्थापित करने चाहिए। पुजारी जी, कब होगा ये? ये सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार इसको जल्द से जल्द करे और हम भी यही चाहते हैं कि सरकार इस मामले को जल्दी से जल्दी निबड़ा करे। सरकार इसको जल्दी जल्दी वो करे, सरकार तो ध्यान ही नहीं, सरकार का तो ध्यान ही नहीं जा रहा इस पे। जाएगा, भगवान के घर में देर रहता है, अंधेर नहीं, तो होगा, आस्ते आस्ते काम चालू है, एक एक होगा। तो ये चीज़ें इन लोगों को सोचनी चाहिए। अगर आप हमारे मंदिर में आकर नमाज पढ़ रहे हैं, देखिए मैं किसी मंदिर और मस्जिद पे ये यहाँ पर बात करने नहीं आई हूँ, मैं अपने हक और अधिकार की बात करने आई हूँ। हमारा जो हक और अधिकार है, हमारा जो विष्णु भगवान का मंदिर था यहाँ पर, जो कि यहाँ से उठा के जस्ट अपोजिट रखा गया है, तो हमको हमारा मंदिर चाहिए। जैसे हमारी मंदिर जहाँ स्थापना हुई थी भगवान विष्णु की, वहाँ उस मंदिर में स्थापना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पुराने समय में औरंगजेब और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को कहानी पता ही होगी इस मंदिर की, जो कि हमारे विष्णु भगवान के मंदिर इसी नदी में 300 साल तक छुपा कर रखी गई थी। उसके बाद अहिल्याबाई द्वारा ये मंदिर जस्ट सामने यहाँ पर स्थापना की गई। तो ये चीज़ें क्यों हैं? हम लोग तो जाकर किसी मज़ार में ये नहीं कहते हैं और कहीं किसी जगह बैठ के ये नहीं कहते हैं कि आप लोग यहाँ से हटिए। हम लोग कहीं मंदिर घंटा नहीं बजाते हैं, किसी मस्जिद में जाकर हम लोग कोई पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो हमको हमारी जगह पर भी यही चाहिए कि हमारी जो जगह है, आप अपना जो आप अजान करते हो, अपना जो नमाज पढ़ते हो, आप अपनी जगह पढ़ो, हमारे मंदिर और मंदिर में कब्जा करना अब छोड़ दो। मुझे तो लगता है कि मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती है और यूपी कॉलेज का मामला 24 घंटे के अंदर वक्फ बोर्ड ने अपना नाम वापस ले लिया, वहाँ इस तरह का हंगामा क्रिएट हुआ, ऐसे ही कुछ आपको नहीं लगता कि हो सकता है यहाँ पे भी है? देखिए, हमारी सरकार कभी नहीं चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो। दूसरी चीज़ें ये हैं कि कहीं भगदड़ हो, कहीं लड़ाई हो, ये भी हमारी सरकार गुंडा राज तो ख़त्म कर दिए, ये तो पता होना चाहिए। तो जब गुंडा राज ख़त्म हो गया है तो ये भी राज ख़त्म होगा बहुत जल्दी, और हमारा सरकार का अगर ध्यान नहीं पड़ा है तो हम सभी लोग अपने सरकार को इस तरफ आकर्षित करेंगे कि वो ये देखें कि यहाँ हमारा मंदिर है और यहाँ हमारा मंदिर ही होना चाहिए, ना कि नमाज पढ़नी चाहिए। मुख्य पुजारी पटवर्धन जी से मैं बात कर रहा था, वो बहुत ही दुखी थे और कहते थे कि योगी जी यहाँ से ठीक 200 मीटर दूर आते हैं, यहाँ कभी नहीं आते, यहाँ पे ध्यान नहीं पड़ता। हालांकि विष्णु जैन जी इसकी इस मामले की सुनवाई चल रही है, वो कहे हैं कि हम पैरवी करेंगे इसकी, लेकिन ये जो हालात हैं, देखिए जब शुक्रवार को मुख्य पुजारी यहाँ नहीं रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे ये जो है विचलित करती है। ये बात तो सही है, क्योंकि अगर हम अपने घर में रहते हैं और घर में जो हमारी मंदिर है और वहाँ पर हम पूजा अर्चना करते हैं, तो वैसे ही पुजारी जी का ये घर, जहाँ घर है वहीं मंदिर है, तो उनको भी ये चीज़ें विचलित करती होगी कि उनके मंदिर के जो मंदिर में बैठ के लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करिए, क्योंकि हमारे जो हक और हमारा जो अधिकार है वो ऐसे ही अगर छीनता जाएगा तो हिंदू कहाँ एक हो पाएंगे। यूपी कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ दिया गया था, पता है आपको? गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मजार पे पढ़ा गया तो मजार तो अवैध थी, तो फिर क्या करते, छात्र भी क्या करते?
छात्रों का कहना है कि हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं थे, तो हमने हनुमान चालीसा पढ़ दी, 24 घंटे के अंदर सब कुछ खाली हो गया। ये गलत है ना? तो नहीं, गलत क्या है, सही क्या है, तो इसके अंदर में क्या होना चाहिए आप बताइए? इसके अंदर यही होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी मंदिर में परिवर्तन। यूपी कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ा गया पता है आपको, और 24 घंटे के अंदर सब कुछ मामला सही हो गया। आपको नहीं था कुछ ऐसे चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ सकती है? देखिए आपको मैं ये बता दूं कि यूपी कॉलेज में वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई क्योंकि वहां पर उस समय ज़रूरत थी उन लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने की। अगर यहां पर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्योंकि ये मेरा हक और मेरा अधिकार है, और अपने हक और अधिकार के लिए हम कहीं से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जब हम मज़ार में जाकर हम घंटी नहीं बजाते हैं, हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे मंदिर में भी आके नमाज नहीं पढ़ना चाहिए लोगों को। प्राचीन मंदिर है जो कि बनारस के स्थित पंचगंगा घाट पर बेनी माधव, बिंदु माधव के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ कुल 5 माधव हैं, जो 3 माधव हैं वो साउथ में हैं और 2 माधव यहाँ हैं, एक यहाँ पर है और एक रामनगर के आगे पड़ेगा। तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने जो व्यवस्था है कि इसमें जाने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ती थी, जो कि कांग्रेस की सरकार द्वारा लगाया गया है ये। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ और आग्रह भी है कि जैसे वो सभी मंदिरों में मस्जिदों में जाकर सर्वे करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसका जानकारी लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, कृपया करके हम लोगों के द्वारा आपके चैनल से माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि वो यहाँ पर भी प्रस्थान करें और इसको भी संज्ञान में। 10 लाख रुपये पता है खर्च होते हैं इस पर साल में? 10 लाख रुपए इस पे इसके ऊपर सरकार खर्च करती है और इसके ऊपर एक भी रुपए खर्च नहीं होते हैं। चीज़ें कि हमारा खुद का मंदिर, हमारे खुद के भगवान यहाँ की नदी में 300 साल तक छुपा कर रखे गए थे। हम लोग अपने भगवान से वंचित थे इसलिए क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब का कब्जा था। अब ये आप मुझे बता दीजिए कि अब ना देखिए, मैं किसी के पूजा पाठ या मैं किसी से जातिवाद नहीं करती, लेकिन जब हमारी सरकार का ये कहना है कि आप बटोगे तो कटोगे, ठीक है, और हमारा भी ये कहना है कि आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो एक रहना चाहिए। आज आप हमारे ही मंदिर के ठीक सामने आप नमाज अदा करते हो, हमारे सनातनी, हमारे लोग जो बाहर से आते हैं वो लोगों पर क्या बीतती होगी, क्योंकि ये हमारा मंदिर है ना कि ये मस्जिद है। तो सबकी जब जगह सुनिश्चित है तो वहाँ पर मंदिर की जगह पूजा पाठ होनी चाहिए और मस्जिद की जगह पर नमाज होना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि वो यहाँ पर भी आएँ, सर्वे करें, यहाँ के भी मंदिरों पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के मंदिरों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो बनारस में जब आते हैं तो सभी मंदिरों में जाते हैं, सर्वे करते हैं, अभी तक इस मंदिर में वो नहीं आए। बस सरकार से ये मांग करती हूँ कि इस मंदिर में भी आकर वो अपना सर्वे करें और हमारी सनातनी जो जगह है वो हमें वापस करें। माधव मंदिर में कितने दिन से आ रहे हैं? बिंदु माधव मंदिर में जब से मैं जन्म हुआ तब से। पहले तो ये लोग तो आते नहीं थे। अच्छा, ये करीब या ये लोग आना चालू 10 साल से किए हैं। ये पहले मैं एक ही जाने थे, हाजी साहब रहते थे इसमें। अच्छा, सिर्फ ओनली वन आदमी था इसमें, 2-4 लोग क्षेत्रीय इसमें झंडा फहरा दिए थे, वो लोग के ऊपर मुकदमा भी अभी भी चल रहा है। अभी भी मुकदमा चल रहा है, तब से ये लोग यहाँ आना चालू कर दिए, नमाज पढ़ना चालू, हफ्ते में एक दिन। तो माधव मंदिर पहले इसमें था, ये मेरे दादाजी बताते थे इसमें ही रहता था, इसी में ही था बिंदु माधव मंदिर पहले, इसी में था। ये वाले अर्घे के नीचे, ये 2 अर्घे के बाद नहीं, ये तीसरा जो अर्घा है इसी के नीचे था। तो ये कब से चल रहा है नमाज? ये तो 10 साल से चल रहा है, 10 साल से पहले नहीं चलता था। इसके पहले नहीं चलता था, वो उसमें एक ही हाजी साहब थे, अभी भी हैं अंदर, वो अंदर में है। इसके विषय में मोदी जी जो करवा दें, सरकार जो करे, बस सरकार से ही मतलब अपील तो कर रहे हैं ना? अपील तो है ही है, साथ देंगे ना? हाँ मैम, देखिए आपके लिए लड़ाई करने आई है। मैं देखा तभी वहाँ पर, मैं डेली आता हूँ पंचगंगा घाट पर, अभी मेरे दादाजी भी हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, इधर से आते होंगे ऊपर। अच्छा, तो देख रहे हैं आप यहाँ के लोगों को कितना रोष है लोगों, सालों से ही हो रहा है। 10 साल से हो रहा है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, आप उन लोगों से तो देखिए अभी तो सामने वो बोल के गए हुए हैं, तो हमारा भी यही कहना है कि जो चीज़ें हमारी हैं वो देखिए, कोई नमाज पढ़ने से मंदिर मस्जिद में नहीं बदल जाएगा, 10 साल से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं मिला होगा इन लोगों के माध्यम से, क्योंकि आवाज़
उठाना ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। और हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो देखिए उनका भी अपना अपना जगह है, अगर वो यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सामने भी उन्हें भी खटकता होगा कि मंदिर की घंटी बज रही है, क्योंकि कोई अपने एरिया में मुस्लिम एरिया में अगर कोई मंदिर होता है तो उनका पूरा दबदबा होता है कि यहाँ पूजा नहीं होगा, यहाँ घंटी नहीं बजेगी। तो हमारे एरिया में हमारे सनातनी एरिया में हम कैसे बर्दाश्त करें कि हमारे यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा रही है और हम क्षेत्रीय लोग या फिर हम सभी लोग ये बर्दाश्त करें। गुरजारी जी कितने सालों से चल रहा है ये 10-15 साल हुए हैं, इसके पहले यहाँ कोई नहीं आता था, एक काग दो लोग आते थे, कोई FIR ईद में भी, ईद वाले दिन भी 2-4-5 लोग आते थे। तो अब तो बड़ा हजारों, अब तो पूरा मजमा जुटता है। तो कुछ थाने वाने में FIR वगैरह कुछ शिकायत क्या कर लेंगे, FIR कौन सुनता है, तो खाली है भी राज्य, इसलिए इतना हुआ तो सभा के राज्य में तो कुछ नहीं होता है। सभा के राज्य मतलब नमाज नहीं पढ़ी जाती थी? नहीं, नमाज तो बहुत पढ़ी जाती थी, 2-4-5 लोग आते थे, ज़्यादा लोग नहीं आते थे। ये नमाज ये तो शुरू हुआ जब से जब ये झंडा भर आया यहाँ पर, उसके बाद ये झंडा भी फहराया गया था, एक यहाँ पर एक बार झंडा फहराया गया था, ऊपर तिरंगा झंडा फहराया गया था उसके ऊपर, हाँ ऊपर किसी ने पर, उसके बाद से ये सिलसिला चालू हो गया इतना यहाँ पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी ये कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो ये एकदम सही नारा है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को जो नष्ट किए हैं और सनातन के हक को उन्होंने कब्जा किया है, और औरंगजेब की जो बर्बरता थी वो तो बहुत गलत थी, लेकिन इस पे देश की सरकार को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हमारे हक की चीज़ है, और इसमें कोई भी मुस्लिम को ये अधिकार नहीं है कि यहाँ पर आके नमाज़ पढ़े, क्योंकि उनका जो मस्जिद है वहाँ पर उनको सुनिश्चित किया गया वहाँ नमाज पढ़े, और मंदिर में आके नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री पर ध्यान केंद्रित करें, और जो सनातन की चीज़ें हैं सनातन के पास वापस आनी चाहिए। योगी जी का बयान कल आया था कि 500 साल पहले ये मंदिर में इसकी शुरुआत जो है बाबर ने की थी जी। योगी जी ने कल ये बयान दिया था, तो अब उनका यही कहना है कि शुरुआत भाई बाबर ने की थी, अब उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। देखिए शुरुआत जिसने की थी उस समय का शुरुआत और इस समय का अंत, क्योंकि काफ़ी समय से ये चीज़ें प्रताड़ना हमारे ही हिंदू धर्म में सब कोई झेलते आ रहे हैं। चीज़ें आपको बता दी जाए अगर कि जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे काशी हमारा सनातनीय जो हमारा अधिकार है वही हमसे छीन लिया जाता है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अगर हम अपने सनातन की बात करते हैं, आज हम अपने मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं, अगर कहीं एक ईंटा फेंका जाता है तो वो सब एक होते हैं, और हमारी सनातनी की बात की जाए तो हमारे मंदिर में आके लोग अजान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे हिंदू भाई कब इकट्ठा होंगे, क्योंकि उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम किसी के मज़ार या मस्जिद पर जाकर ना हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे मंदिरों में आके अजान क्यों पढ़ी जाती है। सभी लोगों की जगह सुनिश्चित की गई है, सभी लोगों का अपना हक और अधिकार सबको पता है, तो जहां मस्जिद की जगह हो तो हमारे मुस्लिम भाई वहां नमाज पढ़ें, और हमारे मंदिर की जगह पर हमारा पूजा पाठ जैसे होता है हमारे विष्णु जी की मंदिर जहां स्थापित थी वहां होनी चाहिए फिर से। ये थे हम लोग यहां से, अभी मुख्य पुजारी जी से भी बात करेंगे अंदर चल के। धन्यवाद।